डीबीटी आज पिछले 8 साल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 22.6 लाख करोड़ रुपया की डीबीटी दिया गया है लोगों को। कभी आप कल्पना करिए, ये कहा जा रहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजे तो गरीब की जेब में 15 पैसा जाता था, आज 1 रुपया भेजे तो चंद मिनट के अंदर उसके जेब में 1 रुपया चला जाता है। जिसके हिसाब में आपके सामने मोदी जी की 8 साल की उपलब्धि को गिनाते हुए दे रहा हूं, 22.6 लाख करोड़ रुपया पिछले दिनों में गया है। मित्रों, ऐसे ही एकलव्य विद्यालय माध्यम से विशेष करके वनवासी आदिवासी लड़कों को लड़कियों को पढ़ाने के लिए, खेल में उत्कृष्टता खड़ा करने के लिए आज 700 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय खड़े किए जा रहे हैं। उनके लिए सीधा भारत सरकार की स्कीम लागू किया गया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मित्रों, सारे अर्थनैतिक पॉलिसी के कारण न केवल भारत सशक्त तो हुई है, आत्मनिर्भर हुई है, उसके अंदर उसके कारण देश में जो एक चेतना आई है, आज सामाजिक उपलब्धियों की नई पैमाना हो रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण, जो लोग कभी हमको पूछते थे अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बनाएंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यकारिणी आभार प्रकट किया, मंदिर की तिथि भी ही घोषित कर दिया गया है और जल्द ही भव्य मंदिर देश को समर्पित हो जाएगा। काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उस दिशा में है। सोमनाथ की विकास कार्य, हिमालय में केदारनाथ धाम की पुनर्निर्माण, केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र की तमाम विकास कार्य की जा रही है। पहली बार 4 धामों की रोड नेटवर्क, करतारपुर साहिब कॉरिडोर की सफलतापूर्वक श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। हेमकुंड साहिब और गिरनार की रोपवे को रोपवे में जोड़ा गया है। उज्जैन में भव्य महाकाल लोक को प्रधानमंत्री जी ने इन दिनों में लोकार्पित किया है। प्रसाद योजना के तहत बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में आधुनिक सुविधाएं का विस्तार किया गया है। मोढ़ेरा के सूर्य मंदिर को हेरिटेज लाइटिंग यानी सोलार लाइट से, सोलार एनर्जी से लाइटिंग की व्यवस्था किया गया है। मां महाकाली शक्तिपीठ और जैन विरासत के लिए प्रसिद्ध गुजरात की पावागढ़ की पुनरुद्धार किया गया है। स्वदेश और प्रसाद योजना के तहत देश की पर्यटन की एक नया डेफिनेशन किया गया है।